इस वक्त पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। आलम यह है कि AQI 999 पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 7 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है, अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने IIT कानपुर की एक स्टडी का हवाला देकर बताया कि प्रदूषण के मुख्य सोर्स क्या क्या है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की प्रथा पूरी तरह रुकनी चाहिए। आज राज्यों के पास कोई बहाना नहीं बचा है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास पराली जलाने की निगरानी के लिए ऐप है तो फिर क्या हुआ? इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि समाधान बताइए, दिल्ली यूं ही नहीं घुटती रह सकती है। उन्होंने वकीलों से कहा, देखिए दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में ना जलाया जाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वो किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करें ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। ये फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से अहम है। राजधानी की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब हो चुकी है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 470 था, वहीं कल रात यानी कि मंगलवार आनंद विहार में AQI अधिकतम स्तर 999 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते में बताएं कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली NCR रीजन CAQM की रिपोर्ट देखने के बाद चार्ट के रूप में और डिटेल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही दिल्ली NCR रीजन के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा था कि वो प्रदूषण की समस्या शुरू होने की ड्यूरेशन और AQI के साथ खेतों में पराली जलाने की जमीनी स्थिति बताते हुए सारी चीजें चार्ट के रूप में पेश करें। जहरीली हवा को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने दिल्ली NCR की राज्य सरकारों को सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों और ऑफिस बुलाने और बाकी 50% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप का चौथा स्टेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों के एंट्री पर रोक लग गई है। सब्जी, फल, दवा जैसी जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी जगह पर ग्रैप चार्ज तब लगाया जाता है जब वहां का AQI लास्ट स्टेज यानी कि 450 से 500 के बीच पहुंच जाता है। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के साथ ही ग्रैप 1, 2 और 3 के नियम भी लागू रहेंगे। इनके तहत गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल 4 पहिया वाहनों पर बैन लगाया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।